हे गाइस, दिस इज रोनोक और आज हम बात करने वाले हैं एक मोबाइल फोन टेलीस्कोप के बारे में। तो अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और आज हम इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है, पीट्रॉन की तरफ से है। तो कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे साइड में देखें तो कुछ पिक्चर्स वगैरह उन लोगों ने दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो कि कितना जूम यहाँ पे होगा। जूम यहाँ पे 8x जूम दिया हुआ है और यहाँ पे साइड में कुछ लिखा हुआ नहीं है। और अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर्स दी हुई है। तो हम बाद में उसकी डिटेल में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं इसको ओपन करके कि क्या इसमें आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे ओपन करने के साथ फर्स्ट आपको मिल जाता है एक मोबाइल फ़ोन होल्डर, जिसके कारण आपका जो मोबाइल फ़ोन है इसमें अटैच होगा और उसी से आप अपने टेलीस्कोप को अटैच कर पाओगे। और नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्राइपॉड मिलता है। तो कुछ इस तरीके का ट्राइपॉड मिलता है, जो हेड है वो काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकता है। तो इसके भी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या है, तो यहाँ पे आपको एक लेंस होल्डर मिल जाता है, जो कि आपका जो लेंस है 8x जूम वाला वो इसमें अटैच होगा। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। अब हम बात करते हैं उसके लेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको अंदर एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें शायद हमारा लेंस होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको लेंस दिया हुआ है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं लेंस किस तरीके का आपको यहाँ पे मिलता है। तो इस डब्बे को ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का लेंस है। तो ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आपको ये लेंस मिल जाता है, जो कि ब्लैक एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। और अगर अंदर कुछ देखें तो यहाँ पे आपको माइक्रोफाइबर क्लोथ्स दिए हुए हैं, जो कि हमारे लेंस को साफ करने के लिए यूज़ होंगे। तो इतनी चीज़ें आपको इस बॉक्स में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो ट्राइपॉड है वो कुछ इस तरीके का छोटा सा ट्राइपॉड दिया हुआ है, उसका हेड आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी डायरेक्शन में एडजस्ट हो सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर उसकी लेग की बात करें तो आप इस तरीके से उसको एक्सटेंड कर सकते हो, और उसकी अगर हाइट वगैरह बढ़ानी है तो आप इस तरीके से इसको खींचोगे तो उसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके का ट्राइपॉड आपको यहाँ पर मिलता है। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो जो मेन चीज़ है वो है हमारा जो फ़ोन होल्डर है उसकी। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसको हम ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे होल्डर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोबाइल फ़ोन होल्डर कुछ इस तरीके का मिलेगा। नीचे की ओर आपको स्क्रू लगाने के लिए दिया हुआ है, तो आपको सिंपली ट्राइपॉड का जो ऊपर वाला स्क्रू है वो यहाँ पे फिट कर देना है। तो यहाँ पे घुमाओगे तो आसानी से वो फिट हो जाएगा और आपका फ़ोन यहाँ से गिरेगा नहीं। तो चलिए फटाफट हम इसको फिट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको अपना लेंस है वो कैसे उसमें अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको लेंस वगैरह अटैच करना है इसके साथ। तो ये जो होल्डर है वो आपको अपने जो मोबाइल फ़ोन होल्डर है उसमें लगाना है, और बीच में अगर जो नॉब है वो आप टाइट लूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के साइज़ के अनुसार। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो अंदर जाएगा हमारे जो मोबाइल फ़ोन है होल्डर है उसमें। तो यहाँ पे पीछे की ओर आपको जगह मिल जाती है जहाँ से आपको उसको स्लाइड करके नीचे फिट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सेटअप मिलेगा। तो आप देखिए आपको किस तरीके की हाइट वगैरह चाहिए और उसी तरीके से आप इसको अटैच कीजिए और यूज़ कीजिए। अभी हम बात करते हैं उसके लेंस लगाने की। तो यहाँ पे सिंपली उसका जो स्क्रू जैसा एक मैकेनिज्म दिया हुआ है वैसे आपको इसको घुमा के इसमें अटैच कर देना है। तो इस तरीके से कुछ ये अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का आपको ये सेटअप मिलता है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको मिल जाएगा। अब इसमें सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन लगाना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। ये थोड़ी प्रोसेस थोड़ी लेंदी है और थोड़ी क्या बोलते हैं टाइम ले लेगी आपको अटैच करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोबाइल फ़ोन हमने होल्डर में लगा दिया है, लेकिन जो लेंस है उसको पैरेलल करना है हमारे स्मार्टफोन के जो प्राइमरी लेंस है उसके साथ। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बार बार कैमरे में देखना पड़ता है कि वो पैरेलल हुआ कि नहीं, क्या व्यू आ रहा है, वो सारा कुछ आपको बार बार देखना पड़ेगा। इसकी वजह से ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हम कैमरा एप्लीकेशन ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू अच्छा आपको दिख रहा है। थोड़े से एजेस आपको ब्लैक दिखाई देगी क्योंकि कुछ कुछ स्मार्टफोन में लेंस छोटा बड़ा होता है, तो वो चीज़ें रहती है। तो कुछ इस तरीके का हमारा फाइनल सेटअप है।
तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का सेटअप है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ डेमो दे देता हूँ 8x जूम का, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का आपको ये मिलता है और कैसा व्यू मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कैमरे में आपको एक जाली दिखाई दे रही है। अब मैं आपको वो जाली कहाँ है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब अगर हम पीछे फोकस करें तो वो जाली उतनी दूर है, और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में 8x जूम के साथ कुछ इस तरीके की लगती है। तो यहाँ पे कुछ सैंपल है वो आप देख सकते हो और उसको जज कर सकते हो कि किस तरीके का आपको ये टेलीस्कोप मिलता है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अभी पीट्रोन का जो ये टेलीस्कोप है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोई और टेलीस्कोप का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे गिवअवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। अभी कुछ 2 या 3 दिन ही बाकी है, तो प्लीज़ अगर आपने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाके पार्टिसिपेट करो। तो मिलते हैं हम कुछ ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।